लोग क्या करेंगे, टू पीसेज ऑफ प्योर कल्चर हम इनोकुलेट करेंगे 800 ml स्टेरिलाइज पीडी फ्लास्क में, ठीक है ना। टू पीसेज ऑफ प्योर कल्चर वी विल इनोकुलेट इन 800 ml पीडी फ्लास्क, ठीक है। उसके बाद द इंक्यूबेशन पीरियड विल कम, इंक्यूबेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, और इंक्यूबेशन का जो टाइप है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। या तो आप रोटरी शेकर के थ्रू इंक्यूबेशन वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, और मैनुअल। रोटरी शेकर के थ्रू क्या होगा कि 18-22 डिग्री सेल्सियस पर आपको रखना है, 7-10 दिन लगाएगा, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूस शेकिंग करेंगे, 7-10 दिन कंटिन्यूस शेकिंग इसमें होती रहेगी, इसलिए जल्दी तैयार हो जाएगा। मैनुअली में क्या होगा, अगेन द टेम्परेचर विल बी सेम 18-22 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान रहेगा, 14-15 डेज लगाएगा ये टाइम पीरियड, क्योंकि शेकिंग इसकी 3 टाइम्स इन अ डे होगी, सुबह दोपहर शाम, इट मीन्स मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 टाइम्स शेकिंग समथिंग। अगर आप इसको शेक करोगे तो 60-70 टाइम्स शेक करोगे, हल्का हल्का हिलाओगे। हम लोग प्रिफर हमेशा रोटरी शेकर वाली शेकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिक्विड स्पॉन विल बी, आपका लिक्विड स्पॉन तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, जितना भी हमने कल आपका पीडी बनाया था लिक्विड स्पॉन के लिए, और जो पीडीए बनाया था प्योर कल्चर और मास्टर कल्चर के लिए, हमने इसको लैमिनार एयर फ्लो मशीन होती है इसके अंदर रख दिया है। लैमिनार एयर फ्लो मशीन का काम ये होता है कि जिसके अंदर आप इसका इनोकुलेशन करते हो, इनोकुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हो कि फंगस का टिश्यू काट के किसी मीडिया के ऊपर रखते हो, और उस फफूंद को या उस फंगस को मीडिया के ऊपर फैलाते हो, जिससे आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सको। तो ये एयर फ्लो मशीन है, ये हमारी दो मशीन है, एक आपका हॉरिजॉन्टल देखो, इसमें एयर फिल्टर आपका आगे की साइड लगा हुआ है, और ये वर्टिकल एयर फ्लो है हमारी, जो कॉर्डिसेप्स आप प्रिफर करोगे इसमें एयर फ्लो आपका ऊपर लगा हुआ है, जो आपका फिल्टर है वो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो जितना भी आपका नॉन लिविंग आइटम होता है सारा का सारा आप इसके अंदर डाल देते हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि यूवी ऑन कर दोगे, अल्ट्रावायलेट रेज ने आपने ऑन कर दी है, ठीक है। 35 मिनट के 35 मिनट्स के लिए ये अल्ट्रावायलेट रेज आप ऑन करोगे, देन जब आपको 35 मिनट हो जाएगा तो ये यूवी लाइट को बंद कर दोगे और एयर फ्लो को ऑन कर दोगे। एयर फ्लो क्या करेगा कि जितना भी कंटेमिनेशन है रूम का उसको इस मशीन के अंदर घुसने नहीं देगा, जिसके कारण क्या कर सकते हो, इसके अंदर इनोकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी आपका नॉन लिविंग आइटम है, चाहे आपका ये पैटी डिश हो गया, चाहे आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, चाहे आपने जो पैटी डिश बनाई है, बॉटल्स बनाई है, लिक्विड मीडिया बनाया, या जो आपने आर्ट बॉक्सेस बनाए हैं, सबको आप यूवी के अंदर रख देते हो, जिसके कारण से इसका बाहर की जो इसकी लेयर होती है वो स्टेलाइज हो जाती है। इनोकुलेटिंग निडल है, इसे हम इनोकुलेशन करते हैं, और सबसे पहले हम इस निडल को रेड हॉट करेंगे, ठीक है। रेड हॉट करते हैं क्योंकि हम इसे स्टेरिलाइज करते हैं, इसके अंदर के जितने भी इन्फेक्शन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। यस, इस पूरी निडल को रेड हॉट करना है, के बाद वाला जितना भी पार्ट है इसको हॉट करना है, क्योंकि ये भी तो आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर जाता है, इन्फेक्शन होंगे इसके भी, तो वो आप हॉट करोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन के लिए ठंडा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये कॉटन प्लग खोलोगे, ठीक है, या आपने कॉटन खोला, अब आप इस आपने जो ये कॉटन पकड़ा इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, इन दो फिंगर्स के पीछे आपको इस कॉटन को खोलना है, फिर आपने ये निडल लेनी है। अब ये निडल ठंडी हो गई, 2 मिनट हो गया, ये ठंडी हो गई है, जब तक फर्दर ये और ठंडी होती है हम इसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे नेक को, ठीक है। पहला आपने कल्चर का, ये आपका प्योर कल्चर है, ये आपने निकाला, ये टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ रखी, आपने यहाँ से एक ट्यूब निकाली टेस्ट ट्यूब, इसको पकड़ा, इसके निडल को आपने स्टेरिलाइज किया, सॉरी नेक को स्टेरिलाइज किया, और फिर से आपने इसमें ये प्योर कल्चर का पीस इनोकुलेट कर दिया, ठीक है। आपका ट्यूब से ट्यूब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक
बंद भी कर सकते हो ताकि कॉटन में जो भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। अब ट्यूब टू पेट्री डिश की बारी आती है, ठीक है। आपने एक पेट्री डिश ली, स्टेरिलाइज पेट्री डिश है, हमने इसको स्टेरिलाइज किया था ऑटोक्लेव में, फिर हमने पेट्री डिश में ट्रांसफर किया, आप लोगों ने देखा। अब ये 24 घंटे लैमिनार एयरफ्लो चलता रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। ये जब लैमिनार एक साथ चलता रहा फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें इसका एक टुकड़ा इसमें भी डालेंगे। तो हम कैसे करके डालेंगे देखो, इसको पहली चीज तो आप ये देखो, इसको इनोकुलेशन करने का तरीका होता है, हमेशा पेट्री डिश को ना हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कम से कम, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे पकड़ना है। आपने क्या किया, ठीक है, आपकी डिश ऐसे खोली और आपने ये पीस इसमें ट्रांसफर कर डाल दिया, इसको बंद किया। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, अभिषेक पैराफिन दो, पैराफिल्म है ये, इसमें चारों तरफ से लगाएंगे ताकि इस ढक्कन के जो चारों तरफ से जो स्पेस है ना वो इस पैराफिल्म में एक फिल्टर का काम करेगी। ये फिल्टर होके एयर अंदर इसके अंदर जाएगी, एयर चाहिए, एयर नहीं दोगे आप तो क्या होगा, डेड हो जाएगा। इसको एयर चाहिए, आप इसको ऐसे पकड़ोगे, ऐसे खींचोगे, ठीक है। आपकी पेट्री डिश तैयार है, ठीक है। अभिषेक हमारी पेट्री डिश दिखाओ, टू पेट्री डिश ऐसे रेडी हो, ठीक है। अभी हमने ये लाइट से एक्सपोज नहीं किया इसलिए इसका कल्चर व्हाइट है, कल्चर का कलर व्हाइट है, और जब हम लाइट से एक्सपोज करेंगे तो ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभिषेक कोई ऑरेंज कलर की नहीं है अभी, हाँ। आपने क्या किया, बॉटल रेडी हुआ था मास्टर कल्चर, बॉटल से लोगे, ट्यूब से भी ले सकते हो, पेट्री डिश से भी ले सकते हो। आपने ये खोला, इसको ऐसे खोल के ऐसे रख दिया हल्का सा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप के आपने दो पीसेस ले लिए, हल्का सा खोला और फिर ऐसे डाल दिया, ठीक है। फिर एक और पीस लेना है, टू पीसेस बहुत है, ले लिया और फिर आपने एक और पीस डाल दिया, सेम डाल दिया आपने पीडी में, कुछ दिनों बाद आपका लिक्विड स्पॉन रेडी हो जाएगा।